हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईज पेरेंटिंग। आज हम आपको बताएंगे कि सर्दी के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को जुखाम की तकलीफ हो जाती है। ऐसे में नाक से पानी बहने का क्या कारण हो सकते हैं? जुखाम की शुरुआत हमेशा वातावरण में मौजूद गंदगी और वायरस की वजह से होती है। ऐसे में अगर आप अपने आसपास की जगह को साफ और स्वच्छ रखेंगे तो आप इन कारणों से बच सकते हैं और आपको जुखाम भी नहीं होगा। आपके नाक में मौजूद सभी सूक्ष्म तंत्रिकाएं काफी ज्यादा सूज जाती हैं, जिसकी वजह से नाक से पानी आता है और अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में छींक आना, नाक बहना, बंद नाक या नाक में खुजली जैसी समस्याएं होना एक आम बात है। सर्दी के मौसम में एलर्जी से बचने के लिए आप रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप रोजाना सुबह शाम एक चम्मच च्यवनप्राश खा सकते हैं और आंवले का सेवन कर सकते हैं। एलर्जी से निपटना मुश्किल तो है, यदि सावधानी बरती जाए तो इससे बचा जा सकता है। अगर हो सके तो आप अपने तकिए और गद्दे के कवर नियमित रूप से बदलते रहें और गर्म पानी में उबालकर इन्हें साफ रखें। धूम्रपान ना करें और ना ही दूसरों को अपने घर में करने दें। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हुई होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।